हेलो ब्यूटीफुल पीपल। तो आज मैं जा रही हूँ अपनी बुआ के यहाँ, मतलब अपने घर ही समझ लो। तो मैं जा रही हूँ आज हरियाणा करनाल। तो मैं इतनी ज़्यादा लेट हो गई थी, थोड़े इम्पोर्टेंट काम थे वो कर रही थी, और इसी चक्कर में मैंने पैकिंग लेट करी। और 4 बजे मेरी कैब थी और मुझे कैब तक पहुँचना है, तो वो यहाँ नहीं आ रही है, मैंने बुक की थी, तो मुझे उसके लिए जाना पड़ेगा थोड़े दूर। उसके लिए मेरा फ्रेंड आ रहा है सौरभ, वो मुझे वहाँ तक छोड़ के आएगा, और मैं सामान पैक्ड तैयार खड़ी हूँ। तो मैं करनाल पहुंच चुकी हूं और मैं घर गई, घर पे बैठी, थोड़ा सा पानी वानी पिया, और पानी पीने के बाद मेरी बुआ जी कहती हैं चलो थोड़ा सा मार्केट चलते हैं, और वहां से मंदिर जाना है, पहले मंदिर जाएंगे फिर मार्केट। तो मैं अपनी बुआ जी के साथ और ये उनकी फ्रेंड हैं उनके साथ मैं जा रही हूँ। यहाँ पर एक शिव जी मंदिर है वहाँ पर, तो मंदिर गए हम लोग पहले, देखा तो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा डेकोरेशन वगैरह हो रखा था, क्योंकि यहाँ पे पूजा चल रही थी जन्माष्टमी की, तो सेलिब्रेशन था, तो ये वाला दिन तो ऐसे गुजरा। The next day. तो अगली सुबह मैं रेडी होकर अपने भाई के साथ जाने लगती हूँ उनके फार्म पर। तो मैं अपने बड़े भैया के फार्म पर जा रही हूँ और छोटा भाई मुझे लेके जा रहा है, और ये कह रहा है कि कैमरा यहाँ से हटाओ, मेरे चेहरे से कैमरा हटाओ, ये कंफर्टेबल नहीं था। तो मैंने कहा ठीक है चलो, नहीं लगाती आपके चेहरे पर कैमरा। फिर यहाँ पर हम लोग जाने लगे, तो मैंने यहाँ पर हम लोग फार्म पर पहुँच गए, तो मैंने फिर से इनके चेहरे पे कैमरा लगाया थोड़ा सा पूछने के लिए कि कैसे क्या है। ही इज़ वेरी कैमरा नर्वस कॉन्शियस जो भी बोलो। फिर यहाँ पर ये बड़े भी आ गए, इन्होंने मुझे डिटेल में बताया कैसे क्या होता है सारी चीज़ें, क्या पॉली हाउस है, कैसे क्या, पूरा मुझे नॉलेज दी कि फार्म में कैसे पेड़ उगते हैं, कैसे फार्मिंग करते हैं, कैसे खेती करते हैं। और यहाँ पर कुकुम्बर, भिंडी और ऐसी चीज़ें, टमाटर, मिर्च, ये सब चीज़ें उगाई जाती हैं। भाई राम, इसके अंदर तो गर्मी बहुत लग रही। गर्मी रहती है ना इसके अंदर। ये है पॉली हाउस, इसमें पॉलिनेशन कराने के लिए। नहीं, पॉलिनेशन नहीं, इसको पॉली हाउस बोलती है, पॉली हाउस, नेट हाउस। अच्छा। क्या होता है, क्या होता ना, तो अभी मान के चलिए जैसे मिनी कुकुम्बर इसमें लगा हुआ है, तो ये बाहर नहीं चलेगा। जो पॉली हाउस का प्रोडक्ट होता है ना, वो ओपन फील्ड में नहीं चलता है। अच्छा। वो पॉली हाउस के अंदर ही चलता है। इसमें अभी पॉली हाउस में मिनी कुकुम्बर लगा हुआ है, सीड पेपर का अपना प्रोग्राम है, सीड पेपर इसमें ट्रांसप्लांटिंग करनी है, उसको सोइंग कर दिया है। सोइंग ऐसे करते हैं, ये प्लग ट्रे रहती है ना, ये प्लग ट्रे रहती है, इसमें जैसे एक एक बीज डाल के ना, इसको कोकोपीट बोलते हैं। नारियल का बुरादा होता है ये। हाँ। है ना, इसको कोकोपीट बोलते हैं। एक एक बीज इसमें पहले लगाते हैं, फिर पौधे को इसमें प्लांट करते हैं। यहाँ पर भिंडी ओकरा, ओके, ओकरा का प्लांट, ऐसी ओकरा लगती है इसमें, ये फ्लावर हो गया, फ्लावर कन्वर्ट होता है फ्रूट में। ये देखो ओकरा लगी हुई, ये ओकरा लगी हुई, ये है ना ओकरा, सही है। फिर इसमें स्टेकिंग कर दें, इसकी बैम्बू लगा के स्टेकिंग कर दें इसकी। मैं देखते हैं क्या डिजीज टॉलरेंस क्या है, कितना यील्ड है, हमारे बेस्ट क्रॉप निकालते हैं। हाँ, इसमें हमारे पास नंबर ऑफ एंट्री जैसे 100 है, 100 में हमको, हमारे पास में ऐसा रहता है 4 कैटेगरी में हमने बांट रखा अपना। ये C1 C2 होता है, ये ब्रीडिंग लेवल, C1 C2 ब्रीडर के पास रहता है,
फिर B1 C2 भी आता है हमारे पास, जैसे C1 C2 की वो 120 एंट्री है हमारे पास में जी। तो उसमें से हमको सिलेक्शन करना है 20 एंट्री 10 एंट्री मोस्टली, और सारा मटेरियल रिजेक्ट कर देना उसका है। हाँ, सारा मटेरियल रिजेक्ट होगा। टॉप 10 वैरायटी होंगे C1 C2 में से ओकरा की, वो जिस साइड वहाँ पे लगे हैं, समझ गए। तो उसमें से वो हमको करके देखना है कैसी ये लगी हुई है। हम बेस्ट से बेस्ट निकालेंगे और जो प्रोडक्ट ख़राब है उसे हटा देंगे। तो यहाँ हम खेती थोड़ी ना कर रहे, हम तो बस बेस्ट हम बस बेस्ट चीज निकाल रहे हैं। The next day. अगले दिन हम लोग रेडी हो जाते हैं क्योंकि अब हम लोग जा रहे हैं शॉपिंग पर। तो ये है मेरी बुआ जी मेरे साथ में, और मेरे फूफा जी, और हाँ मेरा छोटा भाई भी है। तो मतलब वो मुझसे छोटा नहीं है, मुझसे बड़े ही हैं सारे, लेकिन बड़े भैया से छोटे हैं तो मैं छोटा बोल रही हूँ उनको। और यहाँ पर हम लोग जाते हैं करनाल में शॉपिंग करने के लिए। सबसे पहले हम जाते हैं पेंटालून कुछ देखने के लिए कि कुछ पसंद आता है या नहीं। तो बहुत भटकने के बाद मुझे एक सूट पसंद आया था जो मैंने लिया। यहाँ तो मुझे ज़्यादा कुछ अच्छा लगा नहीं, वो भी मैंने बाहर लोकल शॉप से लिया है। तो यहाँ अब तो मैंने पूरा एक्सप्लोर करा, देखा ये नॉर्मल टी शर्ट्स जो हर जगह होते बहुत एवरेज से बिल्कुल अच्छे नहीं थे। फिर यहाँ से हम लोग निकल लेते हैं क्योंकि मुझे बिल्कुल कुछ पसंद नहीं आ रहा था। The next day. अगले दिन हम लोग रेडी हो जाते हैं और जाते हैं कार की डिलीवरी उठाने। तो आज आदर्श भैया के लिए कार ली जा रही थी छोटे वाले भाई के लिए, तो हम लोग उसी के लिए आए थे। तो यहाँ पर ये चूना लगाने की टेक्निक होती है, चाय वाय पिला के ना कंपनी ऐसे आपको पैम्पर करती है कस्टमर को, क्योंकि अब वो आपको लूटने वाली है। फिर यहाँ पे हमारी पूरी फैमिली बैठी हुई थी, ये सामने मेरे फूफा जी हैं, बुआ जी हैं और दोनों भाई हैं। तो यहाँ पर इन्होंने कुछ डिस्कस करा कि कैसे कौन सी। और यहाँ पर हम लोग आ गए हमारी कार को देखने। तो यहाँ पर खड़ी हुई है ये वाइट पंच जो भैया ने ली है, जो उनको पसंद आई है। तो वही वो देख रहे थे कि कैसी है और अंदर से कैसा है, क्या क्या इसमें मॉडिफाई करना है। तो वही चीज़ें वो लोग देख रहे थे। यहाँ पर ये रे बड़े भैया, सबसे पहले इनको देखना ज़रूरी है। हालांकि इनको कार चलानी नहीं आती, पर इनको देखना ज़रूरी है। और अपनी कार छोड़ो तो दूसरों की कार भी देखना ज़रूरी है, यहाँ पर दूसरे की भी देख रहे हैं। तो इन्होंने पूरा एकदम भ्रमण करा, अच्छे से जांच पड़ताल करी। फिर उसके बाद हम लोग जाते हैं खाना खाने के लिए नीलकंठ में। फिर यहाँ पर आने के बाद हम लोगों ने खाना ऑर्डर करा, और इतनी ज़्यादा भूख लग रही थी हम लोगों को क्योंकि वहाँ पर 2-3 घंटे लग गए थे फॉर्मेलिटीज़ में, और वो अभी भी बची थी थोड़ी सी फॉर्मेलिटीज़। तो हम लोगों ने सोचा कि पहले खाना खा आते हैं, बाकी आके ये सब कर लेंगे। फिर हम लोगों ने खाना वाना खाया, थोड़ा रिलीफ मिला, फिर हमने अपनी कार उठाई। सो फाइनली हम लोग शोरूम से बाहर आ गए। और फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशंस टू माई ब्रदर, आगे वाली गाड़ी हमारे फूफा जी चला रहे हैं ग्रैंड विटारा, और ये वाली मेरे भाई ने लिया। कॉन्ग्रेचुलेशंस, थैंक यू, कॉन्ग्रेचुलेशंस भैया। गाड़ी की पार्टी हम लोग कर चुके हैं और अभी और अभी हम लोग जाने वाले हैं मंदिर थोड़ी सी पूजा वूजा करने के लिए गाड़ी की। और इसकी फॉर्मेलिटीज़ में बहुत ज़्यादा टाइम लगा, अप्रोक्स 2.5 से 3 घंटा हम लोगों को वहाँ अपना टाइम बर्बाद करना पड़ा। और अब मंदिर चलते हैं, चलिए देखते हैं, देखते क्या है, बस मंदिर जाएंगे फिर घर जाएंगे और बहुत कस के नींद आ रही फिर सो जाएंगे, यही आज का प्लान है। तो पहले हम लोग घर गए, हमने लड्डू गोपाल जी को लिया, थोड़ा सबने अपने हाथ पैर धोए, थोड़े फ्रेश हुए, और फिर लड्डू गोपाल जी को अपने साथ लिया क्योंकि इनके बिना तो कोई कार्य हो ही नहीं सकता। फिर मंदिर आकर हमने पंडित जी से संपर्क करा तो उन्होंने बताया कि मुहूर्त अभी नहीं है, 2 घंटे बाद आइएगा। तो यहाँ अफसोस जताते हुए हम सारे वापस घर चले जाते हैं कि 2 घंटे बाद फिर से आएंगे। तो बस सबने लड्डू गोपाल जी को उठाया, गाड़ी में बैठ गए, वापस घर आ गए। घर आके इतना मैं थक चुकी थी, मैंने डिसाइड किया भाई मैं तो सोऊंगी, आप मुझे 2 घंटे नींद चाहिए, पूरा दिन मैं थक गई हूँ। और मैं सीधा अपने बिस्तर पर जाती हूँ और डिसाइड करती हूँ बस सो जाते हैं, और जग के नहा धो के फिर से पूजा करवाने जाएंगे, पहले सो लेते, सोना इज़ इम्पॉर्टेंट। बाय बाय। फिर मुहूर्त के टाइम पर हम लोग
पंडित जी के पास पहुंचते हैं मंदिर में और उनसे पूजन का कार्य संपन्न कराते हैं। और यहाँ क्यूट से लड्डू गोपाल जी हमारी गाड़ी के ऊपर बैठे हुए हैं जो हर चीज़ का आशीर्वाद दे रहे हैं। फिर हम लोगों ने यहाँ पर पूजन को संपूर्ण तरीके से समाप्त किया और यहाँ पर ये मिठाई जो बांटी गई थी सब में। 3 days later तो कुछ दिन करनाल में बिताने के बाद आज फाइनली मैं देहरादून जा रही थी। तो यहाँ पर मैं और बुआ बातें करके कुछ खुश हो रहे थे आपस में। और ये हैं मोहित भैया। और घर से जब मैं निकल रही थी ना तो मोहित भैया ने मुझे एक वार्निंग दी थी कि आदर्श भैया गाड़ी चलाने वाले हैं ना तो ये 500 गाने बदलेंगे बट एक भी गाना पूरा नहीं चलने देंगे और तुम्हें कभी पूरा सफ़र इन्जॉय नहीं करने देंगे। मैं कहा ठीक है देखते हैं। और ये बात सच थी, 500 से प्लस गाने भैया ने बदले और एक भी गाना पूरा नहीं चलने दिया, एक भी अच्छा गाना नहीं लगाया। इतने पुराने गाने, पुराने गाने मुझे भी पसंद है और मैं फ़ैन हूँ बट इनके पुराने गाने, ये इंसान ने इतने गंदे गाने चलाए और पूरा सफ़र इतना गंदा, मतलब सफ़र अच्छा था लेकिन गाने बहुत गंदे थे। अभी आपको सुनाती हूँ, थोड़ा सा देती हूँ वरना ज़्यादा सुना दूँगी तो कॉपीराइट आ जाएगा ना। और यहाँ पर हम दोनों भाई बहन पूरी तरीके से समझ गए थे ये इंसान नहीं सुधरने वाला, तो हमने डिसाइड करा कि हम अपनी चिप्स एंजॉय करते हैं और इनके गाने इनको मुबारक हो। हम बस कैसे तैसे झेल रहे थे, फिर हमको भूख लगी थी तो हम जाकर रुके एक ढाबे पर। ढाबे पर रुककर हमको वो गाने वाला टॉर्चर थोड़ी देर के लिए, मतलब उससे पूर्ण विराम मिला हमको। फिर यहाँ पर हमने खाना खाया और यहाँ से सीधा मैं अपने रूम पर देहरादून पहुँच गई।